इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं हौसलों की जरूरत होती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एल के विजय ब्लॉग्स और मैं एल के विजय आपका स्वागत करता हूं। आज लेकर आए हैं हमारे हाल ही में निर्वाचित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब की अनसुनी कहानी। जगदीप धनखड़ साहब का जन्म किठाना गांव राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में 18 मई 1951 को इनका जन्म हुआ। धनखड़ साहब का चित्तौड़गढ़ से बहुत ही गहरा रिश्ता रहा है। इन्होंने प्राइमरी शिक्षा अपने गांव से प्राप्त की, किठाना गांव से, लेकिन उसके बाद उन्होंने सैनिक स्कूल में एडमिशन ले लिया। शुरू से ही बहुत ही मेहनती व्यक्ति थे, बहुत मेहनत करते थे। धनखड़ साहब का सिलेक्शन एनडीए में भी हो गया था, इतने इंटेलिजेंट थे कि इनका सिलेक्शन एनडीए में भी हो गया था, मगर आंखों की कम रोशनी के कारण ये वहां पर जा नहीं पाए और इनका ये जो ख्वाब था आर्मी में जाने का वो अधूरा रह गया। लेकिन फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हमें इनसे सीखना है कि किस तरह से हमें एक रुकावट आ जाती है तो उसके बाद में हमारी ज़िंदगी के रास्ते बंद नहीं होते। और इन्होंने आगे अपनी पढ़ाई की। धनखड़ साहब आज भी अपने टीचर्स से जुड़े हुए हैं। आज भी इनके जो टीचर्स हैं इनकी बड़ी तारीफ करते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी में आप कुछ भी बन जाएं, लेकिन अपने टीचर्स को ना भूलिए। टीचर्स का आपके ज़िंदगी में बहुत योगदान होता है, आपकी ज़िंदगी को बनाने में। आज भी धनखड़ साहब अपने टीचर्स को गुरु पूर्णिमा और अन्य मौक़ों पर गुरुओं से बात करते हैं। और इन्होंने एक अपने दोस्तों के साथ मिलकर टीचर्स के साथ एक ग्रुप भी बना रखा है जिसमें वो अक्सर बात करते हैं। बचपन से ही धनखड़ साहब बहुत ही मेहनती और अनुशासन में रहने वाले बच्चों में से एक थे। वे मैथ्स में इतने इंटेलिजेंट थे कि ये अपने बड़े भाई जो इनसे एक साल सीनियर थे और जो दूसरे सीनियर स्टूडेंट से उनको भी पढ़ा देते थे, यानी मैथ्स में बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनके टीचर से जब उनके बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो बचपन में हॉकी और फुटबॉल के बहुत अच्छे प्लेयर रहे थे। धनखड़ साहब ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और फिर LLB की पढ़ाई की और उसके बाद शुरू हुआ इनका वकालतनामा। जयपुर में रहकर वकालत शुरू की। बचपन में जब ये सैनिक स्कूल में थे तो इनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट देखकर टीचर अलग से एक्सीलेंट शब्द लिखकर पेरेंट्स को भेजते थे। इस तरह बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे धनखड़ साहब अपने सैनिक स्कूल में। हमें उनसे सीखना है कि किस तरह से हम अपने अध्यापकों का, अपने से बड़ों का हम आदर करें और किस तरह से हम उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ते रहें, ये इनसे हमें सीखनी है। धनखड़ साहब को पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल भी रहे, वकालत से लेकर राजनीति तक ये प्रभावशाली चेहरा रहे। आज धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति पद के विजेता बन गए हैं और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, इस लिहाज से धनखड़ साहब राज्यसभा चलाएंगे। गांव में हिंदी मीडियम स्कूल था लेकिन ये गांव में अंग्रेजी बोलने वाले प्रथम व्यक्ति थे और आज भी इन्होंने वहां पर कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी और बच्चों को सीखने के लिए इंस्टीट्यूट खुलवा रखे हैं ताकि लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं हो, जॉब पाने में उनको ये दिक्कत नहीं हो आने वाले बच्चों को कि अंग्रेजी की वजह से वो अपने आप में हीन भावना महसूस करें। तो ये गांव में एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो अंग्रेजी उस समय जानते थे। सलमान खान के खिलाफ 1998 में जोधपुर में दर्ज हुए काले हिरण मामले को तो आप सब जानते हैं, कौन भूल सकता है। तब सलमान खान इस आरोप में 6 दिन जेल में रहे। उनको बेल दिलाने के लिए धनखड़ साहब ने केस लड़ा और बेल दिलाने में सफल हुए। इनके साथ एक बहुत घटना हुई जिससे वो पूरी तरह से टूट गए। 14 साल के इनके बेटे की मौत हो गई थी, इसके बावजूद भी वो दर से बाहर निकले और पूरे परिवार को संभाला।
ये सिखाते हैं कि किस तरह से विपरीत परिस्थितियों में भी हमें हौसला बनाए रखना है, हमें आगे बढ़ते रहना है और हमें उन मुश्किलों का सामना करना है। 30 जुलाई 2019 में बीजेपी ने इन्हें बंगाल का गवर्नर बना दिया और 1993 से लेकर 1998 तक ये किशनगढ़ में विधायक भी रहे। उन्होंने राजस्थान में जाट समाज को आरक्षण दिलाने में भी कानूनी पहलुओं पर अहम भूमिका निभाई थी। आज जगदीप धनखड़ साहब राजस्थान से दूसरे उपराष्ट्रपति बने हैं। यह उनके लगातार मेहनत का नतीजा है कि आज वो उपराष्ट्रपति पद को सुशोभित कर रहे हैं। उनके अंदर एक जज्बा था, जब वो बचपन में स्कूल में पढ़ते थे उसी समय जज्बा था, ये सुप्रीम कोर्ट के वकील, बड़े वकील रहे, मंत्री रहे, बंगाल के गवर्नर रहे और आज उपराष्ट्रपति बन गए। लेकिन आज भी वो सादगी से जीते हैं। उनके जीवन से हमें सीखना है कि हमें अपनी जड़ों को नहीं भूलना है और अपना हौसला कभी भी हमें कम नहीं करना है। इस तरह से धनखड़ साहब बचपन में अपने बहुत ही जज्बाती थे, बहुत ही मेहनती थे और टीचर्स के बहुत ही प्रिय बच्चे थे। आज राजस्थान के उपराष्ट्रपति बन गए हैं और हम सबके चहेते बन गए हैं।